असलम आई एम मोहम्मद सफ़ी रहमान एंड आई स्कोड 188 एटी एट मार्क्स है मैं एम Um बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों के साथ अपना एम का एक्सपीरियंस शेयर करूं और होपफुली कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूं um, जो 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 साल एम में अपील होने वाले स्टूडेंट्स की हेल्प करेंगी um, जब भी आप एम uh, की तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आपने तैयारी करनी कहां से? Um, अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैंने स्टेप्स का अर्ली प्रेप सेशन ज्वाइन किया अपने एफ एस सी के एग्ज़ाम से पहले जो कि हर संडे होता था लेकिन एफ एस सी के एग्ज़ाम्स के बाद मैंने किप्स का रेगुलर सेशन जॉइन किया और मैंने अपनी एफ एस सी के बाद अपनी जो एम डी कैट की तैयारी है वो किप्स गुलबर्ग से की जो स्टेप्स का अर्ली प्रेप सेशन था उसका मुझे एक फ़ायदा ये हुआ कि मुझे समझ आ गई कि एम टी कैट जो है वो किस तरह से प्रिपेयर करना होता है किस तरह से क्लासेज होती हैं और कुछ टेस्ट वगैरह भी सॉल्व किए थे तो पैटर्न वगैरह का भी अंदाज़ा हो गया था कुछ उसके बाद जब मैं एफ एस के एग्ज़ाम्स दिए तो मैंने किप्स को प्रेफर किया आ, उसकी एक वजह यह थी कि जो आ, किप्स के टाइमिंग्स थे वो मुझे ज़्यादा सूट करते थे आ, तो ये जो एकेडमी वाली बात है या आपकी पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर भी डिपेंड करती है आ, और ये इस पर भी डिपेंड करती है कि आपके लोकल एरिया के अंदर आपकी सिटी के अंदर कौन सी अकैडमी अवेलेबल है उसके मुताबिक आप कोई भी अकेडमी चूज़ कर लें और अपनी तैयारी शुरू करें उसके बाद अगर रिसोर्स की बात करें तो मैंने मेरे पास किप्स की प्रैक्टिस बुक्स भी थी किप्स की प्रेप बुक्स भी थी और स्टेप्स की भी प्रैक्टिस बुक मेरे पास थी लेकिन स्टेप्स की प्रैक्टिस बुक कुछ खास नहीं है इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप किप्स की प्रैक्टिस बुक्स ले लें और वो सॉल्व करें उसके अलावा मेरे पास किप्स और स्टेप्स दोनों के ऑनलाइन पोर्टल्स भी थे और मैं उन पर भी एम सॉल्व करता था अगर आप लोग भी एम डी कैट की ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं और घर बैठ कर तैयारी करते हुए एम डी कैट में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं इस सिलसिले में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा एक ऐप से जिसका नाम है मकसद इस ऐप आप में आपको मिलेंगे टेन थाउजेंड प्लस एमसी क्यूज जिनके आपको वीडियो सोलूशन भी मिलेंगे साथ ही साथ आपको तमाम सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स भी देखने को मिलेंगे और इनका फीचर डाउट सॉल्व इस्तेमाल करते हुए अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप उसकी तस्वीर खेच कर इनको सेंड कर सकते हो और आपको विद इन सम टाइम उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा इनका जो नॉर्मल पैकेज है उसका प्राइस है लेकिन अगर आप डॉक्टर हमजा श्रफ का प्रोमो कोड यूज करेंगे तो आपको उस पर फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट मिलेगा और ये तमाम फीचर्स आपको सिर्फ और सिर्फ फाइव थाउजेंड रुपीज में मिलेंगे अगर आप लोग ये ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें प्रोमो कोड को यूज करें डिस्काउंट हासिल करें और एम डी कैट में अल्टीमेटली अच्छे नंबर हासिल उसके बाद अगर सब्जेक्ट वाइज गाइड की बात करें Um, तो सबसे पहले जो है वो बायोलॉजी का पोर्शन आता है जो बायोलॉजी है ये सबसे ज्यादा सिलेबस वाइज भी ये सबसे ज्यादा लेंथी पोर्शन है और इस इस पोर्शन की जो है वो एम डी कैट के एग्जाम में वेटेज भी सबसे ज्यादा है बायोलॉजी um, के अंदर जो है वो उसकी तैयारी जो है वो आपने टेक्स्ट बुक से ही करनी है और ये जो है इसमें बायोलॉजी के पोर्शन के अंदर आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो बुक रीडिंग है um, आप जितनी बार बुक को पढ़ेंगे आपको उतना ही फायदा होगा क्योंकि एग्जाम के अंदर अक्सर जो है वो बुक की लाइन जुट कर आ जाती हैं उसके बाद इसकी जो है सबसे पहले आप पी पढ़ेंगे बायोलॉजी के लिए और उसके बाद आप फेडरल की किताब पढ़ेंगे वैसे तो इस बार सुनने में आ रहा है कि जो यू एच एस है वो कंडक्ट करवाएगी एम डी कैट और जो है एम डी कैट वो प्रोवेंशल लेवल पर रहेगा लेकिन हमारी बार भी यही कहा गया था कि जो है वो एम डी कैट प्रोविशल लेवल पर रहेगा लेकिन जो है जो जब हम एग्ज़ाम में बैठे तो वहाँ पर फेडरल के एम सी क्यूज भी आए थे और इसलिए मैं कहूँगा कि आप रिस्क मत लें और अपनी पी टी बी के साथ साथ फेडरल की किताब भी प्रिपेयर करें हम और इसे तैयार करने का तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले पी से कोई भी टॉपिक रीड करते हैं मतलब जो भी आपकी प्रिंस की बुक है उससे आप सबसे पहले एक टॉपिक रीड करेंगे और उसके बाद आप फेडरल की बुक से वही टॉपिक रीड करेंगे लेकिन उसके अंदर आप सिर्फ वही इन्फॉमेशन रीड करेंगे जो कि पी की बुक में नहीं थी जो दोनों के अंदर कॉमन बात होती है वो आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं फेडरल से आप वही पढ़ेंगे और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो आप फेडरल की बुक के ऊपर हाईलाइट कर लें या फिर आप स्टिकी नोट्स बनाकर अपनी पी की बुक के ऊपर लगा लें और बायोलॉजी के अंदर यही है कि आप जितनी बार इसे गो थ्रू करेंगे आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होएगा और आपकी ग्रिप भी इतनी स्ट्रांगी उसके बाद आता है फिजिक्स का पोर्शन फिज़िक्स का पोर्शन थोड़ा सा ट्रिकी होता है और ये कंसेप्चुअल होता है और ये अक्सर बच्चों को जो है वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है फिज़िक्स के अंदर मैंने इसकी तैयारी इस तरह की कि इसके अंदर वैसे तो आपको बहुत ज़्यादा बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती आप अपनी टेक्स्ट बुक से आपको थ्योरी के सिर्फ कुछ ही टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं जो आपके टीचर्स आपको बताते हैं फिज़िक्स की सारी तैयारी मैंने जो है वो अपने नोट्स बनाए हुए थे रजिस्टर के ऊपर जो भी लेक्चर्स हमारे होते थे मैं वो नोट डाउन करता था हमारे सर नोट्स बनवाते थे और मैं मैंने सारी तैयारी अपनी वहीं से की है और ख़ुद नोट्स बनाने का फ़ायदा ये भी होता है कि वो जो है वो रिवाइज बहुत जल्दी हो जाते हैं तो फिजिक्स के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो है वो नोट्स ज़रूर बनाएँ और वहाँ से और अपने टीचर्स की गाइडलाइंस को फॉलो करें और इसके अलावा अगर आपके पास अगर आप कोई अकेडमी ज्वाइन नहीं कर रहे तो किप्स की प्रेप बुक है उसके अंदर भी काफ़ी हद तक जो है सारे पॉइंट्स समराइज करके लिखे हुए हैं और वो जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं उसके बाद फिज़िक्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना एम की आपकी फ़िज़िक्स के ऊपर ग्रिप उतनी स्ट्रांग होगी एम सी क्यूज सबसे पहले आप कोई भी टॉपिक गो थ्रू करें और उसके बाद उसके एम सॉल्व उस करें सोल्व जब आप एम सॉल्व करेंगे तो आपकी एक तो स्पीड भी बनेगी और दूसरा फिजिक्स के अंदर कैलकुलेशंस बहुत होती हैं जब आप एम सॉल्व करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपको शुरू में मुश्किल होगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो है वो एक स्पीड बन जाएगी और आपको सॉल्व करना भी आ जाएगा और आपका जो है वो इसके लिए कैलकुलेशन के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको एटलीस्ट टेबल्स आने चाहिए और वन टू टेन तक तो एटलीस्ट आपको स्क्वेयर्स और स्क्वायर रूट्स की वैल्यूज याद होनी चाहिए ये जो है आपको कैलकुलेशंस के अंदर बहुत हेल्प करेंगी और अक्सर ऐसा होता है कि जो एमसीक्यू आ जाता है वो कैलकुलेशन काफ़ी लंबी चौड़ी होती है तो उसके अंदर जो है और आपके पास टाइम जाहिर सी बात है कम होता है टाइम मैनेज भी करना होता है तो कुछ केसेस के अंदर आपको जो है वो आंसर एस्टिमेट करना पड़ता है गेस करना पड़ता है ये सारे तरीके भी मेरे ख्याल से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा और आपके टीचर्स भी इस बारे में आपको गाइड करेंगे कि जब आप एम सॉल्व करेंगे टेस्ट की डिस्कशन होगी क्लास के अंदर तो आपके टीचर आपको गाइड करेंगे कि ये एम आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे और ये जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट मैथड था इसे सॉल्व करने का उसके बाद आता है केमिस्ट्री का पोर्शन केमिस्ट्री के पोर्शन के अंदर भी मैंने अपने सर के नोट्स यूज़ किए जो मैंने लेक्चर्स के दौरान नोट नोट डाउन किया और उसके अलावा इसके लिए आप अपनी प्रोविंस की बुक भी गो थ्रू करेंगे इसके लिए मेरे ख्याल से फेडरल की बुक को गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास टाइम है तो आप गो थ्रू कर सकते हैं कुछ थोड़ी बहुत सी बातें थी जो फेडरल के अंदर एक्स्ट्रा हैं वो हमारे टीचर्स ने हमें क्लास के अंदर नोट डाउन करवा दी थी और वो मैंने जो रजिस्टर के ऊपर नोट किया हुआ था उसके अंदर वो बातें थी और मैंने वहाँ से गो थ्रू किया और उसके अलावा ऑर्गेनिक का पोर्शन होता है केमिस्ट्री के अंदर जो मेजर पोर्शन होता है वो जो है मैंने एफ के अंदर ही बहुत अच्छा गो थ्रू किया हुआ था और एम टी कैट के अंदर मुझे जो, जो है वो कोई मुश्किल नहीं हुई सारी इलेक्शन जो है वो अच्छी तरह मैंने एफ के दिनों में याद किए हुए थे और बहुत प्रैक्टिस की हुई थी केमिस्ट्री की आ, उसके बाद है इंग्लिश का पोर्शन इंग्लिश के पोर्शन के जो इंग्लिश का सिलेबस है उसके मेनली दो पार्ट्स हैं एक है ग्रामर का पोर्शन और दूसरा है वो का पोर्शन ग्रामर um, की पोर्शन की बात करें um, तो ग्रामर के अंदर इतने ज़्यादा रूल्स होते हैं कि वो जो है उन्हें याद या रट्टा नहीं लगाया जा सकता वो आपको याद नहीं रहेंगे कभी भी ग्रामर के पोर्शन को बेसिकली तैयार करने का तरीका यही है कि आप कोई भी रूल पढ़ें और उसके बाद जो है वो उसके आ, उसे अप्लाई करें जब उसे जब आप उसे अप्लाई करेंगे आ, तो ही आपको वो समझ आएगा और उसके बाद आप उसके एम सॉल्व करें इसे तैयार करने का तरीका यही है और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है और टेंसेज हैं सेंटेंसिस के स्ट्रक्चर्स हैं ये बातें जो है ये बेसिक्स हैं ये आपकी जो है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए उसके बाद वकीब का पोर्शन है um, मेरे ख्याल से जो है वकैब का पोर्शन जो है वो मेहनत ज़्यादा और उसकी यील्ड कम है um, इस बार भी मेरे ख्याल से मुश्किल से दो से तीन मुश्किल से कोई दो तीन एम सी क्यूज़ आए हैं वकीब के पोर्शन के अंदर से और उन एम सी क्यूज के अंदर से भी अक्सर आपको एक दो पहले ही आते होते हैं Um, हर इंस्टीट्यूट जो है अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो हर इंस्टीट्यूट अपनी एक लिस्ट देता है स्टेप्स की वो कैब की लिस्ट थी किप्स की वो कैब की बुक थी um, आप वहाँ प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आप वो बुक्स भी खोल कर देखें तो उसके अंदर जो है वो काफ़ी वर्ड जो हैं वो आपके एफ वाले होते हैं तो मैं कहूँगा कि आप जो अपनी एफ़ की वो कैबों से अच्छी तरह गो थ्रू करें और अगर आप वो कैब के पोर्शन को अगर आपके पास वक्त बचता है तो या वो कैब के पोर्शन को प्रपेयर करें और आप इससे अपने डेज़ के ऊपर भी डिवाइड कर सकते हैं कि अगर आपके पास तीस दिन है तो आप रोज़ के दस वर्ड्स कर लें पंद्रह वर्ड्स कर लें और इन वर्ड्स को प्रिपेयर करने का तरीका भी है कि आप सबसे पहले कोई वर्ड पढ़ेंगे और फिर आप उसे यूज़ करेंगे सेंटेंसेस के अंदर यूज़ करेंगे तो ही आपको वो याद होगा उसका आपको बेसिक मीनिंग समझ आएगा और उसे अपने जो है रोज़ के जो आप इंग्लिश बोलते हैं या टाइप करते हैं तो उसके अंदर जो है वो आप उन वर्ड्स को यूज़ करें तो ही वो वर्ड्स आपको याद रहेंगे उसके बाद मेरे ख्याल से लास्ट पोर्शन है लॉजिकल रीजनिंग का ये पोर्शन इंतहाई सिंपल है और ये बहुत ही आसान है लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो है हमारा तो खैर एक घंटे का लेक्चर होता था और उसके अंदर हम एम सी क्यू जी प्रैक्टिस करते थे मुझे तो कभी घर आके लॉजिकल रीजनिंग खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी वैसे आप लॉजिकल रीजनिंग की किताब ले सकते हैं किप्स की भी एक लॉजिकल रीजनिंग की बुक है स्टेप्स के अंदर भी लॉजिकल रीजनिंग के जो है वो एम सी क्यू दिए हुए हैं तो आप वहाँ से बस एक बार आपने गो थ्रू करना है कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के एम सी क्यूज आते हैं और वो कॉमन सेंस होती है वो आप ख़ुद ही सॉल्व कर लेंगे आसानी से अगर तो आप एम डी कैट की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये प्रैक्टिस बुक लाजमी बाय करें इस बुक में आपको मिलेंगे ऑलमोस्ट ट्वेंटी फाइव हंड्रेड अप टू डेट एम सी क्यू जो कि यू एच एस पी एम सी ईटा डी यू एच एस शजाब एम यू और नम्स के पास पेपर्स में से लिए गए हैं इसमें आपको तमाम एम सी क्यूज़ यूनिट वाइज़ और टॉपिक वाइज अरेंजमेंट में देखने को मिलेंगे साथ ही साथ ही तमाम एम सी क्यूज़ जो है ये पी एम डी सी के लेटेस्ट एम सिलेबस और करिकुलम के अकॉर्डिंग है इस बुक में आपको तमाम एम सी क्यूज़ की डिटेल्स सोलूशनस भी देखने को मिलेंगे और इसका एक सबसे अच्छा फीचर ये है कि इसमें पिछले सालों के पास पेपर्स में पूछे जाने वाले आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी मैंशन है ये बुक आपको सिर्फ और सिर्फ 1900 हंड्रेड में मिलेगी और इसकी डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान फ्री है अगर आप लोग भी इस बुक का ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को फिल करें और विद इन थ्री टू तो फोर डेज़ ये बुक इनशाला आप लोगों को डिलीवर हो जाएगी उसके बाद अगर मैं अपनी एम डी कार्ड रूटीन की बात करूँ तो मेरी एम डी कार की रूटीन कुछ इस तरह थी कि एफ एस सी के एग्ज़ाम्स के बाद फ़ौरन किप्स की क्लासेस शुरू हो गई और उन दिनों मेरी रूटीन कुछ ऐसे थी कि सुबह छः बजे क्लास होती थी और ग्यारह बजे तक क्लास होती थी वापस आकर मैं नाश्ता वगैरह करता था और मैं सो जाता था दोपहर को मैं उठता था और तकरीबन शाम हो जाती थी तैयारी शुरू करते करते एक बार मैं अपने जो जो भी मैंने लेक्चर्स नोट डाउन किए होते थे वो मैं रिवाइज करता था एक बार देख लेता था और उसके बाद जो है अगले दिन रोज़ ही कोई टेस्ट होता था वो टेस्ट प्रिपेयर करता था मैं वो टेस्ट प्रिपेयर करता था उसके एम सी करता था एल से भी सॉल्व करता था प्रैक्टिस बुक से देख लेता था और उसके बाद किप्स की एक पास पेपर्स की बुक थी उससे मैं एम सॉल्व कर लेता था और इस तरह जो है वो जब आप चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट के टेस्ट देते हैं तो आपकी जो है वो तैयारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी अकेडमी का जो है वो एटलीस्ट टेस्ट टेस्ट सेशन जरूर ज्वाइन करें और इससे आपको बहुत फायदा होगा इससे आपकी काफ़ी बार वेन भी हो जाती है पहले आप चैप्टर वाइज टेस्ट देते हैं फिर आप क्वार्टर बुक्स देते हैं आप हाफ बुक्स देते हैं फुल बुक्स देते हैं मार्क्स देते हैं तो इससे आपकी जो है वो आपको पता भी चल जाता है किस तरह के एम हैं आपको तैयारी का तरीका भी पता चल जाता है आपको अपने वीक पॉइंट्स भी पता चल जाते हैं और वो वीक पॉइंट्स पर आप डिस्कशन के अंदर अपने टीचर्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं उसके अलावा जब आखिरी दिन जो थे आखिरी महीना एक तब हम हमें फ़ारह कर दिया गया था क्योंकि हमारी बार एम का डिले ही बहुत हुआ था तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक हमें हम किप से फ़ारे हो गए थे और जो आखिरी महीना वो मैंने घर में तैयारी की है और उन दिनों मैंने रिवीजन ही किया इन दिनों मैंने वक्त भी काफ़ी ज़ाया किया आम, लेकिन मेरी रूटीन इन दोनों को जिस तरह थी कि मैं सुबह के वक्त वर्ल्ड कप देखता था वर्ल्ड कप चल रहा था और सुबह में मैच देखता था और दोपहर और शाम को जो है वो मैं तैयारी कर लेता था और आखिरी जो 10 से 15 दिन थे मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन होते हैं इनमें आप जितनी बार रिवाइज करेंगे आपको उतना ही फ़ायदा होएगा मैं, मैं, मैं मेरी अप्रोच इस तरह थी कि एक बार मैंने जो है आम, इन आखिरी 10 दिनों में एक बार पूरा सिलेबस गो थ्रू किया और उसके बाद जो है मैंने पास पेपर सॉल्व किए आप पास पेपर सॉल्व करें यू के सॉल्व करें क्योंकि हमें कहा गया था कि प्रिवेंशल एम डी है तो यू के पेपर्स मैंने गो थ्रू किए थे और उसके बाद मैंने अपने वीक पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया था ना आखिरी दिनों के अंदर जो भी मेरी शॉर्ट कमिंग्स थी मैंने उन्हें पूरा करने की कोशिश की जो भी मैं गलतियाँ कर रहा था वो गलतियाँ जो है वो मैंने उन्हें उनके ऊपर फोकस किया और आखिरी दिन जो है मेरे ख़्याल से उस दिन आपको कुछ भी नहीं रखना चाहिए अपनी तैयारी जो है वो एक दिन पहले आपकी मुकम्मल सारी हो जानी चाहिए और उस दिन जो है मैंने ये किया था कि मैंने बस एक बार अपने जो है वो फिज़िक्स के नोट्स ऊपर ऊपर से देखे थे उसके अलावा जो है उस दिन मैंने रेस्ट ही किया था उसके बाद अगर कुछ यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करूँ तो एक तो ये कि आप जो है जब आपकी डिस्कशन हो रही होती हैं तो जो एम मेरे गलत होते थे वो मैं एक रजिस्टर के ऊपर नोट डाउन करता था और साथ ही उनकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने नोट डाउन की होती थी और जब आखिरी दिन में जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था घर के अंदर तो वो वाला रजिस्टर भी मैंने एक बार गो थ्रू किया था कि मेरी जो मिस्टेक्स थी वो मैं एक बार फिर से देख लूँ और उनकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने देख ली थी एक और इंपॉर्टेंट बात यह कि जब आप एम डी कैट का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो जाहिर सी बात है टाइम कम होता है टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है टाइम लिमिटेड सा होता है आ, तो मैंने ये टेक्निक यूज़ की थी पेपर सॉल्व करने के लिए कि सबसे पहले मैंने वो एमसीक्यू सॉल्व किए जो मुझे फ़ॉन समझ आ रहे थे Um, जो मुझे एम सी की फ़ौर समझ आ रहे थे वो मैं पहले मार्क करता गया इस तरह करते करते जो है वो um, मेरे सेवेंटी टू एटी परसेंट सोल्व पेपर जो है आपका ऐसे सॉल्व हो जाता है um, उसके बाद जो um, आखिर में ट्वेंटी परसेंट एम सी क्यूज आपके रह जाते हैं um, वो एम सी क्यूज आप एंड में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देकर उन्हें सॉल्व करते हैं um, और वो एम सी क्यू जब आप दोबारा वापस आकर पढ़ते हैं तो वो आपको समझ आ जाते हैं um, कुछ एम सी यूज़ होते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे होते और जाहिर सी बात है तो उसमें आपको तुक्का मारना पड़ता है और ये एम सी क्यूज़ कुछ ज़्यादा नहीं होते Um, लेकिन जो है वो फिर भी कुछ एम में आपको तुक्का मारना पड़ता है ऐसा नहीं होता कि आपको 200 के 200 सौ एम सी क्यूज आते होंगे um, और तुक्का मारने का भी तरीका ये होता है कि आप जो है वो ब्लाइंडली गेस नहीं करते um, जो ऑप्शन आपको पता है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता वो ऑप्शन जो है आप एलिमिनेट कर देते हैं और इस तरह करने से क्या होता है कि जो करेक्ट होने के चांसेज हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं um, और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह कि आपने कभी भी जो है वो एम चारों ऑप्शन पढ़े बगैर मार्क नहीं करना इस तरह काफ़ी होता है कि आप जल्दी जल्दी में एम सी की मार्क करे होते हैं आपको लगता है कि ए ऑप्शन आप पढ़ते हैं आपको लगता है ऑप्शन सही है और वो आप मार्क कर देते हैं और जब आप चारों ऑप्शन पढ़ते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि वो ऑप्शन नहीं था तो इस तरह आपने नहीं करना आपने चारों ऑप्शन पढ़े बगैर कभी भी एम मार्क नहीं करना उसके बाद आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात एफ एस सी से लेकर एम डी कैट तक जो है वो काफ़ी अनसर्टन पीरियड होता है आपको पता नहीं होता कि जो है आपका एडमिशन होना है कि नहीं होना कॉम्पटिशन जो है वो बहुत ही टफ किस्म का होता है तो इन दिनों जो है वो स्ट्रेस काफ़ी होती है आ, मैं जो हूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मैं एक तो जब भी मैं तैयारी शुरू करता हूँ तो मैं मेरे साथ एक पानी की बॉटल होती है और मैं बीच में ब्रेक्स लेता रहता हूँ हर आधे घंटे बाद मैं कोई पाँच मिनट की ब्रेक ले लेता ले था, था। आ, और उसके बाद आ, मैं नमाज की ब्रेक जरूर लेता था, था। आ, नमाज की ब्रेक लेने से होता है कि आ, आप जो है वो रिफ्रेश भी हो जाते हैं और उसके अलावा आप काम डाउन भी हो जाते हैं और जो है आपका अल्लाह से भी एक कनेक्शन जो है वो मेनटेन रहता है उसके अलावा मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो है एक काम ये भी करता था कि मैं अपने पेरेंट्स के पास जाकर बैठता था उनसे बात करता था और वो भी जो है मुझे काम डाउन कर देते थे और उनने मुझे इस पीरियड के अंदर बहुत हेल्प आउट किया मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों के ज़्यादातर क्वेश्चंस को एड्रेस करूं करूँ लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो आप पर्सनली भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप अपना क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं और मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा आई होप के वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी बेस्ट ऑफ लक अल्लाह हाफिज़